नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। आज 26 जुलाई का कोरोना अपडेट बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है और बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े अच्छे खबर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर बिहार में कोरोना का नया संक्रमण 2600 को पार कर गया है। आज जो नए आंकड़े बताए गए हैं उसके अनुसार बिहार में आज 2605 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके साथ ही बिहार में आंकड़ा 38,919 पर पहुंच चुका है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 25 जुलाई के रिपोर्टेड मामले, जिनकी जांच रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में आई है, उसकी संख्या है 1294 और उससे पहले 24 जुलाई या उससे पहले के मामले जिनकी भी जाँच रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में सिस्टम में अपलोड की गई है उसकी संख्या है 1311। इस तरह दोनों का कुल योग हो जाता है 2605। बिहार में ऐसा दूसरी बार हुआ है, कल के बाद, कल पहली बार हुआ था, आज दूसरी बार की मामला 2500 से ज़्यादा का आया हो एक दिन में। कल 2800 से ज़्यादा के संख्या थी तो आज 2600 से ज़्यादा की संख्या है। बिहार में संक्रमण लगातार फैलते जा रहा है। किस जिले में आज कितने मरीज मिले हैं इस पर डाल लेते हैं एक नज़र। दोनों ही तारीखों को जोड़कर बनाए गए आंकड़ों के अनुसार आज अररिया से 21 नए मामले आए हैं, कुल पॉजिटिव 390। अरवल से नए मामले 33, कुल पॉजिटिव 417। औरंगाबाद के नए मामले 48, कुल पॉजिटिव 603। बांका नए मामले 38, कुल कोरोना पॉजिटिव 469। बेगूसराय नए मामले 64, कुल कोरोना पॉजिटिव 1398। भागलपुर को नए मामले 71, कुल कोरोना पॉजिटिव 2243। भोजपुर नए मामले 102, कुल कोरोना पॉजिटिव 1089। बक्सर नए मामले 52, कुल कोरोना पॉजिटिव 695। दरभंगा नए मामले 51, कुल कोरोना पॉजिटिव 667। ईस्ट चंपारण नए मामले 20, कुल कोरोना पॉजिटिव 912। गया नए मामले 113, कुल कोरोना पॉजिटिव 1583। गोपालगंज नए मामले 40, कुल कोरोना पॉजिटिव 744। जमुई नए मामले 93, कुल कोरोना पॉजिटिव 646। जहानाबाद नए मामले 49, कुल कोरोना पॉजिटिव 755। कैमूर नए मामले 19, कुल कोरोना पॉजिटिव 339। कटिहार नए मामले 24, कुल कोरोना पॉजिटिव 847। खगड़िया नए मामले 17, कुल कोरोना पॉजिटिव 864। किशनगंज नए मामले 51, कुल कोरोना पॉजिटिव 475। लखीसराय नए मामले 57, कुल कोरोना पॉजिटिव 670। मधेपुरा नए मामले 16, कुल कोरोना पॉजिटिव 516। मधुबनी नए मामले 48, कुल कोरोना पॉजिटिव 823। मुंगेर नए मामले 42, कुल कोरोना पॉजिटिव 921। मुजफ्फरपुर नए मामले 123, कुल कोरोना पॉजिटिव 1691। नालंदा नए मामले 105, कुल कोरोना पॉजिटिव 1530। नवादा नए मामले 60, कुल कोरोना पॉजिटिव 1097। पटना नए मामले 620, पहली बार हुआ है पटना में जब आंकड़े 600 से ज़्यादा के आए हों और कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है यहाँ पर 6514। पूर्णिया नए मामले 54, कुल कोरोना पॉजिटिव 871। रोहतास नए मामले 94, कुल कोरोना पॉजिटिव 1519। सहरसा नए मामले 55, कुल कोरोना पॉजिटिव 518। समस्तीपुर नए मामले 60, कुल कोरोना पॉजिटिव 1008। सारण नए मामले 102, कुल कोरोना पॉजिटिव 1143। शेखपुरा नए मामले 22, कुल कोरोना पॉजिटिव 448। शिवहर नए मामले 8, कुल कोरोना पॉजिटिव 227। सीतामढ़ी नए मामले 16, कुल कोरोना पॉजिटिव 396। सिवान नए मामले 45, कुल कोरोना पॉजिटिव 1264। सुपौल नए मामले 60, कुल कोरोना पॉजिटिव 646। वैशाली नए मामले 74, कुल कोरोना पॉजिटिव 935। वेस्ट चंपारण नए मामले 38, कुल कोरोना पॉजिटिव 1046। इस तरह आज के नए मामलों की संख्या जो दो तारीखों में जारी किए गए हैं उस दोनों को जोड़कर हो जाते हैं 2605, जबकि पूरे बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या हो गई है 38,919। कल स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए थे उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि आंकड़े में जो सैंपल की टेस्टिंग है उसमें 2000 की बढ़ोतरी थी। पहले जो आंकड़े थे सैंपलिंग के, टेस्टिंग के, वो 10,000 के आसपास के थे, कल 12,000 से ज़्यादा की टेस्टिंग हुई थी।
यानी 2000 की टेस्टिंग बढ़ी तो आंकड़े 1000 बढ़ गए, सीधे 2800 पे चले गए, जो उसके एक दिन पहले 1800 था। कल शाम को, शनिवार की शाम को, नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को भी बुलाया गया था। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की और गुस्सा जाहिर किया कि किस प्रकार से काम हो रहा है। दिल्ली में आंकड़े टेस्टिंग के 38,000 हैं तो बिहार में आंकड़े टेस्टिंग के 20,000 क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अगर 20,000 के आंकड़े की टेस्टिंग को बिहार नहीं छूता है तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, उन्होंने साफ कड़े लहजे में ये बातें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुमंडल अस्पतालों में 100 COVID-19 के बेड बनाए जाएं, सभी अनुमंडल अस्पतालों में, और ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा में मौजूदगी वहां पर मौजूद रहे कि ताकि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जिलों में स्वास्थ्य की ऐसी इलाज की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को अपने जिलों में ही इलाज मिल जाए, दूसरे जिलों या खासकर पटना, राजधानी पटना में उन्हें ना आना पड़े, क्योंकि आने जाने और यहाँ पर भी स्थितियाँ काफ़ी गंभीर है क्योंकि यहाँ पर आंकड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस तरह से व्यवस्था करे ताकि सभी मरीजों को उनके जिलों में ही इलाज मिल जाए। हालांकि इस पर कब तक अमल होगा, ये सभी जो बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं कब तक अमल में लाई जाएंगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बिहार कोरोना के फैलाओ उसके जकर में पूरी तरह से बंधता जा रहा है, क्योंकि मामले जो हैं वो अब लगातार ज़्यादा आ रहे हैं, टेस्टिंग की संख्या 20,000 अभी तक छुई नहीं गई है, और इस परिस्थिति में बस यही कहा जा सकता है कि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सुरक्षित बनाएं और बिहार को भी सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।